बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह आपके रिज़क में बरकत अता फरमाए। आई ट्राइड कॉलीफ्लावर एंड चिकन एंड दिस हैपन दैट लुक्स सो डिलीशियस। वाओ, ग्रेट टेस्ट गाइस। I am always looking your cooperation and attention. So in this video, I want to show you how to make chicken and cauliflower. So this my recipe: cauliflower, onion, chicken, and spice, red chili, coriander. ये मैं आप उर्दू में बताने लगा हूँ। गोभी है, ये टमाटर है, और यहाँ पे ओनियन है, गार्लिक और चिकन है। ये चीज़ें साथ हमने बनानी है। सब्ज़ी बड़ी मज़े की बनेगी, फ्रेश सब्ज़ी को खाना चाहिए। अब मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल 1/2 कप। नाउ आई पुट इन द कढ़ाई चिकन, कोंदो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है, ठीक हो गया। अब इसको हमने करना है ब्राउन, इसको फ्राइड। नाउ मेक टू ब्राउन। लो फ्लेम, इफ यू फ्लेम हाई देन योर चिकन इज नॉट डन आउटसाइड द ब्लैक ब्राउन एंड इन टू नॉट डन हाफ डन। आई एड नाउ गार्लिक। अब मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, ये इसको हमने फ्राई कर लेना अच्छे तरह से। इसकी ना हमने फ्राई करनी है। ये चिकन वैसे तो हम खाते हैं बनाकर, और गोभी भी खाते हैं अक्सर ना। मैं ये चाह रहा था कि हम इसको मिक्स करते हैं। मैंने इसमें डाल दिया ओनियन। मैंने ये सोचा कि इसको मिक्स करके बनाते हैं। तो अब ये देखेंगे, ये बन गया है। आई ट्राइड कॉलीफ्लावर एंड चिकन एंड दिस हैपेंड। अब मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राइड कर लेना है। और मैं नीड टू फ्राइड व्हेन इट डन देन आई एड हियर टमाटो। नाउ इट्स कलर चेंज हाफ डन दैट लुक्स सो डिलीशियस। हाँ, ये गोभी तो आम घरों में बनाई जाती है, बाद लोग चिकन भी डालते हैं इसमें, पोटैटो आलू भी डाल के बनाते हैं। जिस तरह आपको अच्छी लगे बना लिया करें सब्जी को। अगर आप अब मैं इसमें टमाटर को काट रहा हूँ, ये देखो किस लग। हाँ, सब्जी जो है वैसे भी जो है ना, अगर आप इसको वैसे खा रहे हैं तो बंदा इसे तंग आ जाता है। तो सब्जी के अंदर आप चिकन ऐड कर लें, और कभी इसमें आप मटन है तो मटन ऐड करें। अगर बीफ है यानी गोश्त वगैरह इसमें डालेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट बन जाएगा। वेजिटेबल बहुत पावरफुल होती हैं और वेट लॉस, इसलिए वेजिटेबल को यूज करना चाहिए। ये देखें मैं इसको बनाई कर रहा हूँ, माशाल्लाह क्या इसकी खूबसूरत लुक भी आई है और खुशबू भी फैल रही है। अब इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। पानी डालने से अब मैंने इसके अंदर स्पाइस डालकर इसको हमने कवर करके बंद कर देना है।
ये गोभी इसमें ऐड करता हूँ मैं, कॉलीफ्लावर ऐड इन द कढ़ाई। अब स्पाइस जाएंगे, स्पाइस डाल दिए, इसमें थोड़ा सा प्लेट में पानी लगाते हैं ये, ताकि मसाला ज़ाया ना हो। थोड़ा पानी और डाल के इसका ढक्कन बंद कर देते हैं 8 मिनट के लिए। क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड पुश ऑन बेल आइकॉन, सब्सक्राइब पर दबाएं और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये देखें, मैंने ढक्कन बंद कर दिया 8 मिनट के लिए, कवर फॉर 8 मिनट्स एंड आफ्टर 8 मिनट्स वाओ लुक सो डिलीशियस ग्रेट। अब जो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है ये हम इसको वैसे ही, ये देखें बनाई हो जाएगी, पानी तो बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। तो अब मैं इसको हल्का हल्का, ये देखें, ये देखें मैं हल्का हल्का स्टिक से हिला रहा हूँ ऐसे, तो देखें ये क्या लुक आई है कॉलीफ्लावर की और चिकन की, खुशबू भी फैल रही है, माउथ वाटरिंग डिश दैट लुक्स सो डिलीशियस, हेज फ्रैग्रेंस स्प्रेड अराउंड। अब ये खुशे के करीब चली गई है, वाओ वाओ वाओ, वेजिटेबल खाने का अपना ही मज़ा है चिकन के साथ। तो अब ये राइस के साथ खाएं, चाहे आप चपाती के साथ खाएं। अब मैंने इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दिया है, सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है, ये माशाल्लाह क्या अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाल दी है। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना है, जो इसके लवर हैं ओ लवर्स। अब मैं इसको डिश आउट कर देता हूँ, ये डिश में डाल ली है, हु लवर्स कॉलीफ्लावर एंड चिकन, नाउ ये और डिश आउट चिकन एंड कॉलीफ्लावर, वाओ 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 वाओ, ग्रेट लुक्स ब्यूटीफुल। अब ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब इसकी गार्निश करें, जंजर, जंजर स्लाइसेस को ऊपर लगा दिया है और इसके साथ ही मैंने ये रखा हुआ फ्रेश कोरिएंडर। अब सब्ज़ मिर्च लगाएंगे, सब्ज़ मिर्च के छोटे छोटे पीसेस को, ये अब लगाएंगे फ्रेश कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया और ये ऐसे। अब देखें माशाल्लाह क्या लुक आई है, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक, सो डिलीशियस, सिंपल एंड इजी रेसिपी, वाओ माउथ वाटरिंग। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर करें इसको। अब मैं ये खाकर दिखाता हूँ, वाओ सो डिलीशियस, और खा के दिखाता हूँ, वाओ अगर राइस साथ हूँ तो और भी मज़ा आएगा, परफेक्ट। फ्रेंड्स अच्छी लगी तो इसको आपने शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो यकीनन आपको पसंद आएगी। आप ये ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है जो जो भी वेजिटेबल पसंद करता है। राना साहब इंटरनेशनल को इजाज़त दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई